छपरा जिले में जिस तरह से 50 लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमला कर रही है। वहीं पे कभी विजय कुमार सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार खुद ही बिगवा रही है, तो कभी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जिनके हाथ में गृह विभाग है उनसे संभल नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल है। और पिछले दिन आपने देखा भी कि इस तरह से विजय कुमार सिन्हा के साथ तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पे बीजेपी के पहुँचे थे, उसके बाद जहाँ सबसे ज़्यादा मोती हो गई उस क्षेत्र में भी पहुँचे थे, उसके बाद वो वहाँ के जो थाना क्षेत्र था वहाँ पे पहुँचे और उनका कहना था कि स्प्रिट जो थाना में मौजूद थे वो कहीं ना कहीं गायब नज़र आ रही, तो कहीं ना कहीं ये वो कहते नज़र आ रहे कि थे कि बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर के वो लगातार विधानसभा में भी हंगामा करते नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसको लेकर के वो लगातार सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच विजय कुमार सिन्हा के साथ सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी के विधायक उनके साथ आज राजभवन मार्च करने निकले और देख सकते हैं किस तरह से वो राजभवन मार्च कर रहे हैं और जाके राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, इसको लेकर के उन्होंने ये अब राज्यपाल को ज्ञापन सौंप के ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करेंगे जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू है और सफल नहीं है, तो वो इसको लेकर के आज राजभवन मार्च पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वो पहुँच रहे हैं और राज्यपाल को जाके वो ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद उनसे कहने की कोशिश करेंगे कि बिहार में शराबबंदी जो लागू है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं है। धक्का मुक्की हो गई क्या सर? नहीं, ये पुलिस प्रशासन के लोग को नजरिया आई है। और कोई विधायक सर क्या किया सर? विधायक के साथ धक्का मुक्की हो गई, आप खुद निकल कर आ गए और उसके बाद अब निकलने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर के, अब लगातार विपक्ष बीजेपी हमलावर है और सरकार से मांग कर रही है कि उन लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।